हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर वंस अगेन एंड वेलकम यू ऑल। अब यहाँ हम लास्ट क्लास तक पोस्ट मौर्यंस डिस्कस कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर। गुप्तों का शासनकाल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन एंशंट हिस्ट्री। जहाँ तक आपको सवाल आने हैं तो यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सी सबसे पहले गुप्त की अगर हम बात करें तो गुप्तास के जो रूलर्स हैं, सी ऑल द रूलर्स, जितने भी रूलर हुए वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज गुप्ता का जो हमारा टाइम पीरियड है वो एक ऐसा टाइम है जब भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। और यहाँ तक कि गुप्तास का सवाल है, वो भारत को एक बड़े राज्य के रूप में रूल कर रहे थे और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूलर्स। सबसे पहले आपको मैं एक क्लू देता हूँ। क्लू ये है, ट्रिक ये है इसको याद करने का रूलर्स को, कि आप 3 बार एस लिखिए, एस देन एस देन एस। इन 3 एस के बीच में आपको दो दो वर्ड्स लगाने हैं, जी सी एंड सी के, जी सी एंड सी के। नाउ दिस कंबाइंस, दिस कंप्लीट्स योर हायरार्की, हेरिडेटरी सीक्वेंस ऑफ द गुप्ता रूलर। अब आपको वंशानुक्रम इसका पता चल गया। हमने क्या किया, हमने पहले 3 सी लिखा, फर्स्ट फोर्थ और एट्थ, सेवेंथ सॉरी सेवेंथ, और देन सेकंड थर्ड में हम जी सी लिखे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में हम सी के लिखे। अब हम इनको पूरा करते हैं। इनका जो नाम है वो है श्रीगुप्त, श्रीगुप्ता। देन जी फॉर घटोत, घटोत्कच। ये आपको हो सकता है किसी बुक में मिले या ना मिले, बट ये एग्जिस्ट करते थे। देन चंद्रगुप्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये होंगे फर्स्ट। देन समुद्रगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त। देन अगेन चंद्रगुप्त। आपको एक क्लू देता हूं, कभी भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो जो राजा होते थे अगर सेम नाम है उनका, चंद्रगुप्त हियर है, यहां पर भी चंद्रगुप्त, तो आप ये देखेंगे कि जस्ट सेकंड पीढ़ी में वही नाम नहीं दिया जाता था, एक पीढ़ी छोड़ करके वो नाम दिया जाता था। जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त है, देन चंद्रगुप्त सेकंड है, कभी भी कंसेक्यूटिव आपको एक के बाद एक वन एंड टू नहीं मिलेंगे। ये क्लू है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। देन के फॉर कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, एंड एस फॉर स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। ये रूलर्स की क्या हो गई, लेवल हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ। अब एक एक करके हम रूलर्स को देखते जाएंगे और इनसे जुड़ी सारी बातें उन्हीं से ही हम कंस्ट्रक्ट करेंगे हमारे गुप्ता एम्पायर का जो हिस्ट्री है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं श्रीगुप्त, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे, फाउंडर हो जाएंगे, बिल्कुल सही। देन घटोत्कच, ही इज ऑल्सो द सेकेंड रूलर, बट इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है। ये तो हो गए आदि पुरुष, फाउंडर, और घटोत्कच, ये दोनों को जो उपाधि थे, उपाधि मिली हुई थी वो थी महाराजास, महाराज की उपाधि मिली हुई थी। किनको, किनको, श्रीगुप्त एंड घटोत्कच। देन हम चलते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। यहाँ से हमारी हिस्ट्री जो है वो वाइड होने वाली है, बिकॉज दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड रूलर, एंड ही इज चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम की अगर मैं बात करूं तो इन्हें सबसे पहले इनके जो फादर हुए घटोत्कच और उनके जो फादर हुए श्रीगुप्त, इन्हें महाराज की उपाधि मिली थी। बट देखेंगे आप कि चंद्रगुप्त जो है वो, उनकी जो उपाधि का नाम है वो है महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि उन्हें मिली, द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, राजों का भी राजा। देन इन्होंने क्या किया, लिच्छवी प्रिंस, लिच्छवी प्रिंस से शादी की, उनका नाम था कुमारा देवी या कुमार देवी, कुमार देवी से इन्होंने शादी की। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पिलर बनाया, आयरन का पिलर है, आयरन पिलर इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे बनाया, महरौली, एम महरौली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महरौली का आयरन पिलर, जो कि इनके एक्सपीडिशन को, कॉन्केस्ट को क्या करता है, डिफाइन करता है, इनके द्वारा किए गए विभिन्न देशों पे या सॉरी विभिन्न क्षेत्रों पे आक्रमण को ये उनकी कहानी बताता है। देन गुप्त एरा, गुप्ता एरा, गुप्त संवत के ये फाउंडर हैं, इन्होंने स्टार्ट किया गुप्त एरा को कब, 320 एनो डोमिनी या कॉमन
एरा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी पॉइंट मैं यहां लिखा दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो यहां तक की बात आपको याद रखनी है अबाउट द चंद्रगुप्त फर्स्ट। देन हम चलते हैं हमारे फोर्थ रूलर एंड ही इज नन अदर देन समुद्रगुप्त, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता किंगडम। समुद्रगुप्त के हमारे पास, इनके पास क्या था, मेहरौली आयरन पिलर, और इनका जो है वो है अलाहाबाद, अलाहाबाद आयरन, अलाहाबाद सॉरी पिलर, आयरन नहीं था वो, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन इसे हिंदी में प्रयागराज स्तंभ अभिलेख कहा जाता है, प्रयागराज का स्तंभ अभिलेख। और ये रिफर करता है कि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, तीन स्टेज में अपने सैन्य आक्रमणों को सजाया था, या तीन स्टेज में उन्होंने किया था सैन्य आक्रमण। तो फर्स्ट स्टेज जो जाते हैं समुद्रगुप्त, वो जाते हैं कहाँ, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में जाते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया में किनको परास्त करते हैं, तो नॉर्दर्न इंडिया में ये परास्त करते हैं अच्युत को, जो कि क्या है, नाग रूलर है, नाग डायनेस्टी के हैं, एंड नागसेन, नागसेन। बट याद रखना, नागसेन डज नॉट बिलोंग टू नाग डायनेस्टी, बट ये कोटा फैमिली से है। इन दोनों को ये परास्त करते हैं और इनके किंगडम को ये अनेक्स कर लेते हैं, हड़प लेते हैं। और गंजेटिक वैली, गंगा की जो घाटी है, गंगा की घाटी पर इन्हें पूरा अधिकार कर लेते हैं। देन सेकेंड स्टेज या सेकेंड जो इनका चरण था, सेकेंड पार्ट था, वो था हमारा दक्षिणापथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दक्षिणापथ। यहाँ पर क्वेश्चन आता है दक्षिणापथ एक्सपीडिशन। दक्षिणापथ आपको नाम से ही क्लियर है, और मैंने आपको बताया भी है, कब बताया है, जब हम पढ़ रहे थे वैदिक, वहां पर हमने देखा था कि मध्य क्षेत्र था, दक्षिणापथ था, और क्या था, एक आप बताएंगे वो क्या था, थर्ड जो टाइप था नॉर्दर्न इंडिया को क्या कहा जाता था, वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। देन दक्षिणापथ जो थे, वहां के 12 रूलर्स को इन्होंने क्या किया, हराया, लेकिन उनके किंगडम को अनेक्स नहीं किया, उनको अपने अधीन कर लिया और कर राज्य बना दिया, मतलब वहां से उन्हें कर जो है, पैसा जो है वो प्राप्त होता था, ठीक है, उनके अंडर में आ गए, बट अनेक्स नहीं किया, ये याद रखना है, अनेक्स नहीं करते, वो उनको अपने अधीन ले आते हैं बट उन पर राज्य नहीं करते डायरेक्ट। देन थर्ड जो था वो था इनका नॉर्थ इंडियन रूलर्स। अब जो और अदर नॉर्थ इंडियन रूलर्स हैं, उनके पास ये जाते हैं, एंड 9 किंग्स, 9 राजाओं को और ये क्या करते हैं, हराते हैं, उनके जो टेरिटरी है उसको पूरा का पूरा उखाड़ देते हैं, वहां से अपरूट करते हैं, और नागा फैमिलीज, खास करके नाग वंशियों को, नागा फैमिलीज को ये क्या करते हैं, अपरूट वहां करते हैं। तो समुद्रगुप्त के जो एक्सपीडिशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूँ। समुद्रगुप्त इनफैक्ट अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट रूलर है। देन हम चलते हैं कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अश्वमेघ और सेक्रीफाइस परफॉर्म किया, अश्वमेघ का यज्ञ कराया जो हमने पढ़ा था वैदिक में, और गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इशू किए, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इशू करते हैं, और उसमें लिखा रहता है, उन कॉइन्स में क्या रहता है, एम्ब्रेस्ड रहता है रिस्टोरर ऑफ द अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ कराने वाला रिस्टोरर ऑफ द अश्वमेध उसमें लिखा रहता है। देन अगर इनके किंगडम की बात की जाए तो इनका जो किंगडम है वो बहुत वाइड किंगडम है, वास्ट हो जाता है, क्योंकि ये सभी तरफ गए, ये नॉर्दर्न इंडिया भी जाते हैं, वेस्टर्न में भी जाते हैं, और सदर्न इंडिया भी जाते हैं, ऑफकोर्स ईस्टर्न तो ये खुद राज करते ही रहते हैं। तो इनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था वो बहुत ज़्यादा था समुद्रगुप्त का, और इसीलिए हम देखते हैं कि अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो यूपी, गंगेटिक वैली यहां तक थे, और सेंट्रल इंडिया का भी एक कुछ पोर्शन था इनके पास, सेंट्रल इंडिया, देन वेस्ट बंगाल तो था ही, क्लियर है, और सदर्न स्टेट्स भी थे इनके, और शक कुषाण वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न की बात करें तो शक एंड कुषाण ये भी रूलर्स इनके अंडर में थे। देन अगर साउदर्न इंडिया की बात करें तो पल्लव किंग भी इनके अंडर में थे। तो पल्लव किंगडम तक ये साउथ में जाते हैं, और यूपी गंजेटिक वैली ये नॉर्थ में जाते हैं, साउथ वेस्ट की बात करें तो शक एंड कुषाण, एंड ईस्टर्न की बात करें तो साउथ वेस्टर्न बंगाल, मतलब यहाँ तक। तो इनका जो एक्सटेंट ऑफ रूलिंग है ये बहुत ज़्यादा है, और इन्हें इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन अगर इनके कैरेक्टर की बात करें, इनके एस्टिमेट अगर हम लगाएं, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कि ये बहुत अच्छे कवि हैं, कविराज की उपाधि इन्हें मिली गई। देन ये म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखते हैं, और ये क्या बजाते हैं, वीणा बजाते हुए आपको दिख जाएंगे, सिक्कों में ये वीणा बजाते हुए दिख जाएंगे। देन संस्कृत लिटरेचर में इनकी रुचि बहुत है, और ये प्रमोट भी करते हैं संस्कृत लिटरेचर को, एंड ही इज वैष्णव,
वैष्णव धर्म अपनाते हैं, टॉलरेंट है ये बट अदर रिलीजन्स के थ्रू, बट और इनका इंटरेस्ट जो है वो बुद्धिज्म में भी आपको दिखेगा। तो ये थे समुद्रगुप्त, और अब हम चलेंगे हमारे अगले रूलर, दैट इज चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड अगेन एन इंपॉर्टेंट रूलर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकेंड जो हमारे आएंगे उन्हें क्या नाम से जानते हैं हम, विक्रमादित्य। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। पहला ही क्वेश्चन जो बनेगा, विक्रमादित्य किन्हें कहा जाता था, तो चंद्रगुप्त सेकंड को। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में रूल कर रहे शकों को हराया, वेस्टर्न सत्रप को हराया उनके, और ये भी क्या करते हैं, और इसीलिए इन्हें इनके फिर नाम पड़ा, शकों को हराने के लिए इनके जो नाम हुआ वो हुआ सकारी। शकों को हराने के कारण इनका नाम पड़ा सकारी। ही इज ऑल्सो नोन एज सकारी बिकॉज ही डिफिटेड सकास। देन हॉर्स सेक्रीफाइस भी ये करेंगे, और उज्जैन, उज्जैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, और ये जो है ये आपका अल्टरनेट कैपिटल हो जाएगा किनका, गुप्तास का अल्टरनेट कैपिटल हो जाएगा उज्जैन। वेस्टर्न पोर्ट को भी ये क्या करते हैं, वेस्टर्न पोर्ट को भी ये क्या करते हैं, अनेक्स करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि ये क्या करते हैं, सिंधु को क्रॉस करते हैं, सिंधु को मतलब इंडस रिवर को क्रॉस करके ये बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया पे क्या करते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बाहर भी जाते हैं। इसके इनके बाद अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है तो वो है फाहयान। फाहयान जो है वो आएंगे इंडिया, एंड हु इज फाहयान, तो फाहयान जो है वो है चाइनीज ट्रेवलर, चाइनीज ट्रेवलर। ट्रेवलर्स से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो चाइनीज ट्रेवलर है ये, चीन से यात्री हैं, और ये फाहयान इंडिया में आते हैं किनके शासनकाल में, चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में या विक्रमादित्य के। और इनका जो टाइम पीरियड है, इनके टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है। मैंने आपको कल बोला था लास्ट वीडियो में कि हम पढ़ेंगे गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री या एंशंट इंडियन हिस्ट्री, तो गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा गया किनके काल को, चंद्रगुप्त सेकंड के काल को, और गुप्ता वंश या गुप्ता डायनेस्टी को ही ज्यादा फोकस किया जाता है। गोल्डन एज कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस काल में जितनी भी घटनाएं हुई, जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, जितने भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के जो भी फाउंडेशन रखे गए या बनाए गए, वो ऐसे थे जो ना भारत में कभी बने थे इसके पहले और ना बाद में बनने वाले थे, इसीलिए, और ऐसा कहीं एग्जाम्पल आपको दिखता भी नहीं है, तो इसीलिए इनके काल को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन एंशंट इंडियन हिस्ट्री। देन हम बात करें द लास्ट रूलर ऑफ आवर इंपॉर्टेंट, दैट इज कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छांटना है तो ये कराते हैं कॉइन्स इशू कराते हैं, देन ही ऑल्सो परफॉर्म द अश्वमेध सेक्रीफाइस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुमारगुप्त के समय या कुमारगुप्त के काल में आप बोल सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी गई, और इनके जो सक्सेसर हुए हमने देखा था स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त इनके बाद जो हुए उनका एक ही इंपॉर्टेंट है कि वो हूणों के आक्रमण को, हूणों के इन्वेजन को, हूणों के आक्रमण को क्या करते हैं, सक्सेसफुली फाइट करते हैं और जीत जाते हैं। तो स्कंदगुप्त से अगर क्वेश्चन आएगा तो हूणों के आक्रमण से आएगा। हूण जो थे वो चाइनीज या मंगोलियन ट्राइब्स के, वहां से आपको मिलता है कि मंगोलियन ट्राइबल्स पीपल हूण कहलाते थे, बट इनके भी कुछ डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, हम उतने डीप में नहीं घुसेंगे, बट हूण्स का, हूणों का आक्रमण अगर क्वेश्चन आया तो स्कंदगुप्त का नाम आएगा, और नालंदा यूनिवर्सिटी अगर आएंगे तो कुमारगुप्त का नाम आएगा। सो दैट्स द डेमोन्स्ट्रेशन गिवन बाय द डिफरेंट किंग्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब हम बात करेंगे इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन 102% आएगा, क्योंकि दे प्रेजेंट अ वेरी लार्ज और वाइड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले किंग्स जो है वो असिस्ट करते थे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जिसे आप बोलते हैं, या प्रधानमंत्री उस समय कहा जाता था। देन सेकेंड वन इज सेनापति, आप सबको क्लियर होंगे, सेना को जो चलाते थे सेनापति, हेड ऑफ द आर्मी। देन संधि विग्रह, संधि विग्रह, संधि कौन होती है, संधि क्या होती है, किसी देश के साथ में संधि होगी, इसका मतलब यह है कि ही विल बी द फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री होगा, संधि से आप अंदाजा लगा लेंगे, संधि विग्रह मतलब विदेश मंत्री। देन कुमारा मात्यास या कुमार मात्यास,
एंड आयुक्तास, आयुक्त ये क्या होंगे, तो दे वर द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर प्रांतीय ये क्या थे, प्रबंधक थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। देन पांचवे अगर हम बात करें तो उपरीक, ये भी क्वेश्चन आता है, उपरीक क्या था, उपरीक कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आएगा हु वर द उपरीक्स, तो आंसर विल बी उपरीक्स वेर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट गवर्नर्स, सॉरी प्रोविंशियल गवर्नर्स, प्रांतों के गवर्नर थे, प्रांतों के गवर्नर्स थे। और ये भुक्ति उस समय प्रांतों को क्या कहलाता था, प्रांत जो है वो भुक्तीस कहलाते थे, प्रोविंस को भुक्ति कहा जाता था। देन हम बात करें विषयपति, विषयपतीस क्या थे, तो प्रांत जो था वो विषयों में विभाजित था, सब डिवीजन है, एसडीएम आप बोल सकते हैं, सब डिविजन्स विषय, प्रांत जो था वो भुक्ति जो थी वो विषय में विभाजित थी, तो ये विषय उसी के ही जो हेड होते थे वो विषयपतीस कहलाते थे। देन नगर श्रेष्ठी वेदर एंड ग्रामिक्स वेदर, तो नगर श्रेष्ठी जो थे वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, नगर नगर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और नगर श्रेष्ठी एंड ग्रामिक्स आठवें जो थे वो थे ग्रामिक्स, इतने सारे आपको याद रखना है, ग्राम से आप विलेज कंट्रोलर आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों को बहुत अच्छी छूट मिली हुई थी, पनिशमेंट्स सीवियर नहीं थे, स्पाई सिस्टम नहीं था, जासूसों की प्रणाली, जासूसों का जो तंत्र था वो वहाँ पर नहीं था, स्पाई सिस्टम बिल्कुल नहीं था, और चोरों का जो भय था वो भी नहीं था, क्राइम जो था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था। अब हम बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। सी फ्रेंड्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए, 3 से 4 वीडियो में मैं आपको पूरे जो भी हिस्टोरिकल आर्ट एंड आर्किटेक्चर से इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया हो या मेडिवल हो या फिर एंशियंट इंडिया हो, उसके लिए मैं लेकर के आऊँगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ, नागरा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल ये टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल्स हैं, ये इवॉल्व हुआ नागरा, नागर शैली एंड द्रविड शैली। नागर शैली जो थी ये, इसके जो डिटेल्स हैं मैं आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर की क्लास में पढ़ाऊंगा, बट अभी आपको यहाँ इतने ही याद रखना है, नागरा एंड द्रविड स्टाइल्स वेयर फ्लरिस्ट, इनके काल में ये उजागर हुए, ये इनका जो है वो स्टार्ट हुआ। देन देवगढ़ का मंदिर, देवगढ़ टेम्पल, ये कहाँ है, झांसी में है, ये बनाया गया, बहुत सारे हैं वैसे तो, और गढ़वा टेम्पल है। देन गांधार स्टाइल का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था, गांधार स्टाइल हमने पढ़ा था आपको याद होगा, गांधार जो था वो इन दो अलग अलग स्टाइलों का, इंडियन और इंडियो ग्रीको रोमन का जो कन्फ्लुएंस था, दोनों की जो सम्मिलन हो करके बना हुआ था, उनका कोई इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं दिखता है। सारनाथ में बुद्ध की स्टैचू, बुद्धा स्टैचू ये बनता है इस समय, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, बाकी जो डिटेल है वो मैं आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कवर करूँगा। और बाघ का जो गुफाएं हैं, बाघ केव्स, ये कहाँ पर है, ये ग्वालियर में है मध्य प्रदेश, बाघ केव्स, मुरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता। अब मुरल पेंटिंग्स क्या है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट इन द आर्किटेक्चर क्लास, मुरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता, ये सारा चीज जो है ये गुप्त के काल में बनता है। आप देखिए रिचनेस देखिए इस एम्पायर का, कि इन्होंने हर फील्ड में काम किया और ऐसा काम किया कि न भूतो न भविष्यति, इसीलिए इस काल को गोल्डन पीरियड, स्वर्ण युग कहते हैं। देन हम बात करेंगे लिटरेचर की, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर भी इनकी रिचनेस कम नहीं थी, और ऐसे जो पोएट्स या फिगर्स हुए जिनका लिटरेचर में अभूतपूर्व योगदान था, सबसे पहले हम बात करेंगे कालिदास, अपने आप में ही ये क्या है, पूरे के पूरे एक विकिपीडिया है आप बोल सकते हैं। अगर मैं इनके ड्रामा की बात करूँ, नाटक जो ये लिखे, तो उसमें आपका सबसे पहला आता है शकुंतला, बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे। देन आता है मालविका अग्निमित्र, इसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी है, उन दोनों के जो लाइफ है उसके बारे में एक कहानी है। और विक्रम और उर्वशी की एक कहानी आपको और मिलेगी, ये 3 ड्रामा इनके द्वारा लिखा गया है। देन हम बात करेंगे अगर एपिक्स की अगर मैं बात करूं, मतलब महाकाव्यों की, तो महाकाव्य इनके द्वारा जो रचित हुए वो है रघुवंश एंड कुमार संभव, ये 2 आपको एपिक्स मिल जाएंगे। देन हम बात करें लिरिक्स की, तो लिरिक्स में इनका जो है वो है ऋतु संहार, ऋतु
संहारा एंड मेघदूत, बहुत इंपॉर्टेंट है रचना इनकी मेघदूत। इतनी सारी रचनाएं केवल और केवल आपको कालिदास जी की दिखेंगी। देन हम आते हैं और आगे, कालिदास के बाद जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो है विशाखदत्त। विशाखदत्त की आपको मिलेंगी ड्रामा में मुद्रा राक्षस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस इसमें क्या है, इसमें जो है आपको पॉलिटिकल ये बुक है, पॉलिटिकल जो भी डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं कोर्ट कोर्ट के जो भी अफेयर्स हैं उनके बारे में लिखा गया है। एंड सेकंड वन इज देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम, चंद्रगुप्त के कहानी के बारे में है ऐसा बोला जाता है। देन थर्ड फिगर इज शूद्रक, शूद्रक एंड शूद्रक वाज, शूद्रक की जो रचना थी वो थी मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम या मृच्छकटिक, ये आपको इंपॉर्टेंट होता है। देन फोर्थ वन इज भारवी, भारवी, भारवी की जो रचना है वो है कृत अर्जुनिया, कृत अर्जुनिया या कृत अर्जुनिया, ये अर्जुन और शिव इनकी जो कहानी है। देन फिफ्थ वन इज दंडिंग, दंडिंग बहुत फेमस, आपको एक और नाम मिलेगा, और इसमें इनकी जो रचना है वो है काव्य दर्श, काव्य दर्श एंड दस कर्म चरित्र, दस कुमार चरित्र। ये है दंडिंग की। तो इतने सारे आपको लिटरेरी फिगर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। देन ऑफकोर्स विष्णु शर्मा, आप सभी को पता होगा विष्णु शर्मा की फेमस बुक जो है वो है अपनी पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र लिखा इन्होंने। और अमर सिंहा, अमर सिंहा इनका जो मिलेगा वो मिलेगा अमर कोश, अमर कोश। तो इतने सारे आपको लिटरेरी नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लास्ट एस्पेक्ट है साइंस या टेक्नोलॉजी, या फिर आप बोलो साइंस में इसको इंक्लूड करो, उस समय टेक्नोलॉजी शब्द जो है वो उतना ज़्यादा पावर में नहीं था। तो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो पहला नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो दैट विल बी आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या किया था, तो उस समय के महान गणितज्ञ हुए, खगोलविद हुए, और आर्यभट्टीय नाम की ये बुक लिखते हैं, आर्यभट्टीय इनकी बुक है। और चंद्र और सूर्य ग्रहण एक्लिप्सिस के बारे में इन्होंने बताया, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में इन्हें बताया, और अर्थ को पृथ्वी गोल है ये इन्होंने बताया, और अपनी धुरी पर वो घूमती है ये आर्यभट्ट ने बताया। देन सेकंड फिगर इज वराह मिहिर, मिहिर, वराह मिहिर, जिनको हमें आज पढ़ना है क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, ये वराह मिहिर की रचना है पंच सिद्धांतिका। फाइव एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम, पांच खगोल, जो खगोल शास्त्रीय प्रणालियां हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है बुक में। देन बृहद संहिता, बृहद संहिता ये भी इंपॉर्टेंट आपका बुक है, संस्कृत में लिखा गया है। बृहद जातक ये भी बुक इनकी आपको मिलेगी, बृहद, बृहद जातक। देखिए क्वेश्चन आपको यहीं से ही आने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि इन्हीं में से ही बनते हैं। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है और गोल्डन पीरियड है, इसलिए आपको सब चीज ध्यान से पढ़ना है। देन थर्ड वन अगर मैं बात करूं तो वाघभट्ट, थर्ड फिगर वॉज वाघभट्ट। वाघभट्ट जो है वो मेडिकल ट्रायो, जो मेडिकल तिकड़ी कही जाती थी, जिनमें थे चरक, चरक, सुश्रुत, आपने नाम सुना होगा चरकाचार्य एंड सुश्रुत, ये जो थे ये गुप्ता के पहले के थे, और वाघभट्ट इनमें तीसरे माने जाते थे। तो इन्हें ये मेडिकल ट्रायो के नाम से जाना जाता है, चरक, चरकाचार्य वाज देयर, सुश्रुत वाज देयर एंड वाघभट्ट। अगर आप देखें तो मेडिकल हिस्टोरी भी वहां आपको दिख जाएगी, इसीलिए दिस पीरियड ऑफ गुप्ता आर कॉल्ड एज द गोल्डन पीरियड और गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब हम पढ़ चुके हैं गुप्तास तक, अब हमें आगे पढ़ने हैं कुछ ऐसे डायनेस्टीज जो कि सदर्न इंडिया में रूल किए एंड सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया में उनके बाद रूल करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे हमारे किसमें, हमारे मेडिवल इंडिया में। तो एक लेक्चर आपका बच जाता है यहाँ पर किसका, एंशियंट इंडिया का। तो केवल
हम एक कदम दूर हैं हम मेडिकल एंशियंट इंडिया को खत्म करने और मिडिएवल में जाने के लिए। आप सभी जरूर देखें ये सारे वीडियोस। अगर एक भी लेक्चर आप मिस करेंगे तो आपको आगे की जानकारी समझने में दिक्कत होगी, पहले से ही सब रिलेटेड है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।